ये देखो अभी फिलहाल एक साइड का चालू हो गया है, कितनी खतरनाक लग रही है गाड़ी देखने में। एक तो देखो रैपिंग का काम कितना सही लग रहा है ब्लैक कलर में, और ये देखो भाई सामने से देखो कितनी सही लग रही है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आ रहे से कितना सही लुक आ रहा है। आपको दिखा दूं इसमें रिंग लाइट वगैरह भी लगी है, जो रिंग वाले प्रोजेक्टर्स होते हैं वो लगे हैं, और आप देखो लोग कितना सही आ रहा है ना। पाछे का जो मॉडिफिकेशन का काम है वो फिलहाल इतना कुछ हो गया है, सामने की तरफ जो है ये व्हाइट था जिसको मैट ब्लैक कर दिया है, सामने से चल रहा है 1000 RR जैसा बनाने का लुक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। अब हमारे हो चुके हैं एग्जाम खत्म, अब आपको व्लॉग दिखेंगे जल्द देखने को बहुत सारे काफी अच्छे अमेजिंग, क्योंकि मैं अभी एग्जाम के कारण वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, मतलब 10-12 दिन में मेरा एक व्लॉग आ रहा था, बट अब वो प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, मैं हुआ क्या 2023 का मेरे पास अभी नोटिस आया, मैं ध्यान नहीं दिया था कि मेरी ये वाली बाइक का चलान कट गया था विदाउट हेलमेट का, तो दोस्त के साथ था मैं बेसिकली, मैंने फोटो में देखा था उसमें। 2023 का चलान मेरे को अभी 2024 में आया है। फिलहाल गर्मी आ रही है और ऐसा लग रहा है अभी से ही गर्मी काफ़ी तेज है, मतलब ठंड का तो नामो निशान नहीं दिख रहा है। लेट्स सी इस बार कितनी गर्मी पड़ती है, ठंड तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी। और आज हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन कराने, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं है एक्चुअली में, क्या ये वाले मिरर्स मैंने लगाया हूँ ना, तो इसको थोड़े से टाइट भी करवाना है, और इसके अंदर वायर्स हैं जो कि थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि पहले लगे थे 10R वाले मिरर और मैं सोचता था इनको टेम्प्रेरी लगे रहने दूँ, बट इनकी जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है, और मतलब दिखते काफ़ी अच्छे हैं, दूर से ऐसा लगता है कि विंग्स टाइप के कुछ लगे हैं, तो मैं इसको नहीं निकाल रहा हूँ अभी कुछ टाइम तक, इनको ही लगे रहने दूँगा। प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाले जो इंडिकेटर्स के पॉइंट है वो तो मैंने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया हूँ ये इसके कारण, जो साइड का विंग है उसके कारण, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करूँ इसमें कि इंडिकेटर का कहीं पे ऐसे जुगाड़ किया जाए छोटे वाले ही लगाने का, देखते हैं कैसा लुक आएगा। अभी फिलहाल वहीं जाके फाइनल करेंगे कौन सी जगह में लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ओवर भी ना लगे, तो अभी सामने की तरफ इंडिकेटर नहीं है गाड़ी में, इसलिए इंडिकेटर काफी ज्यादा जरूरी है। और साथ में आ रहे हैं वहां पे हमारे दीपांशु भैया, जिनकी अपाचे 310 RR को हम बना रहे हैं डुकाटी, मतलब फुल डुकाटी वाली थीम नहीं देंगे इसमें, बट काफी मिलती जुलती, क्योंकि जैसे मतलब व्हील कवर्स आ चुके हैं तो सेम मिरर हमने बुलवाए हैं स्काई पर शॉप से, तो वो भी इंस्टॉल करेंगे, प्लस सामने उसका विंगलेट भी आ गया है। चल के आपको अपाचे का लुक देखेंगे, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और अगर आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मिरर्स में बस यही एक प्रॉब्लम है कि इसमें विजिबिलिटी कम है, तो अभी जैसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब थोड़ा सा देखा कि पीछे गाड़ी है भाई, आज तो इतनी गजब की नींद आ रही थी, इतने टाइम बाद अच्छे से सोया नहीं, तो सुबह डेली मेरे को 4-5 बजे उठना पड़ रहा था एग्जाम के कारण, बट आज मैं अच्छे से सोया था क्योंकि मैं सोचा जितनी भी थकान है वो निकल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फोन आया कि उनको आज मॉडिफिकेशन करना है, जैसे मुझे भी होता है ना कि प्रोडक्ट आ जाते हैं तो क्रेविंग हो जाती है भाई कि अब तो अभी जाके प्रोडक्ट आज के आज लगवा लो, तो वैसे दीपांशु भी अभी शॉप में अभी पहुंच चुके हैं, वहीं पे हम जा रहे हैं रेडियम वाला शॉप, क्योंकि उनको रेडियम के अपने जो 310 RR के स्टिकर्स वगैरह है वो भी रिमूव कराना है, देखते हैं भाई 310 RR का लुक कैसा आता है। अभी तो मैं इंडिकेटर भी नहीं दे सकता, अगर मैंने अभी इंडिकेटर दिया तो वायरिंग शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या हुआ था टेम्प्रेरी बेसिस पे उसको निकाले थे, हमको लगा कि ये उतने कोई खास लगेंगे नहीं तो इसको वैसे भी निकाल देंगे नेक्स्ट 1-2 दिन बाद, बट ये अच्छे लग रहे हैं इसलिए हमने जो है जो 10R वाले मिरर से अभी इसको निकाल दिया, और उसको सोच रहे हैं हम निंजा में डाल दें। ये देखो भाई सामने गाड़ी के क्या हाल है, भाई साहब ये क्या फूक के गाड़ी चला रहे हैं, मतलब इनका इंजन क्या फूक के चल रहा है, कुछ ज़्यादा धुआं नहीं निकल रहा इसमें, अंकल सही एयर पोल्यूशन करते हुए जा रहे हैं। हम आ चुके हैं शॉप के पास और देखते हैं दीपांशु भैया अभी वहां पे हैं या नहीं, क्योंकि उनकी गाड़ी में काम में ही ज्यादा टाइम लगेगा, मेरी गाड़ी का तो इंडिकेटर मैं खुद ही कर लूंगा, ऐसा है अभी आए नहीं है शायद, वो गाड़ी वॉश कराने गए होंगे भाई, आज भी टाइम ना लग जाए होने में काम। तो अभी हम आ चुके हैं रेडियम वाला शॉप में, और यहाँ पे देखो 310 RR भी खड़ी है, इसमें भी मॉडिफिकेशन काम हो रहा है, हमारी गाड़ी में भी मॉडिफिकेशन काम हो रहा है। एक आपको बहुत अच्छा जुगाड़ आपको दिखाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सामने की तरफ देख सकते हो यहाँ पे जो है वायरिंग का काम फिलहाल चल रहा है, और एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाऊं, हम सोच रहे थे इतनी जगह में क्योंकि इसके लगने के बाद इंडिकेटर का प्लेसमेंट हो नहीं पाता यहाँ पे प्रॉपर, तो हमने इंडिकेटर को कहाँ प्लेस किया, आपको दिख रहा है इंडिकेटर नहीं दिख रहा, ये देखो गाड़ी की आग जैसा बन गया है, ऐसा लग रहा है पूरी आग बनी है ये, अब ये जलने के बाद बहुत ही सही लगेगा, DRL के साथ चलेगा, अभी पूरा कंप्लीट वायरिंग आयरिंग इसकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको दिखाएंगे, तो पर ये देखो कितनी सही जगह मिल गई है ना,
ये वही वाले इंडिकेटर है जो हमारी गाड़ी में पीछे की तरफ लगे। एक बार आपको मैं लुक दिखा दूं, जो यही वाले इंडिकेटर है सेम वही है। आज इस गाड़ी में काम होना है ये वाले जो स्टिकर से इसको निकाल देंगे और नए स्टिकर से यहाँ पे बनाएंगे फिलहाल। और जो मिरर है सेम लगने वाले हैं, जो इसमें लगे ना विंग्स वाले वही सेम मिरर से इसमें भी लगने वाले और काफ़ी अच्छी लगेगी मॉडिफिकेशन के बाद। फिलहाल आप स्टॉक बाइक देख सकते हैं कुछ इस टाइप की है, पीछे भी रिम में भी कवर नहीं लगे, कवर वगैरह सब हमने ले आए हैं और करवाते इसमें इंस्टॉल और प्लस साथ में हमारी गाड़ी का इंडिकेटर भी कंप्लीट कराते हैं। फिलहाल एक साइड का चालू हो गया है, कितनी खतरनाक लग रही है गाड़ी देखने में। तो इंडिकेटर का प्लेसमेंट यहाँ पे फाइनल कर देते हैं और दूसरे साइड का भी लगवाते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है। खतरनाक लग रही है गाड़ी, सीरियसली मजा आ गया। अब ये देखो इसकी फिटिंग पूरी कंप्लीट चल रही है। तो ये भैया से पहले नहीं बनती थी क्या? भैया ने कहा अच्छी थी गाड़ी, अभी अभी सीख गए देख सुन के। अच्छा, देख सुन के गाड़ी सीख गए चला। फिलहाल अभी बस थोड़ा सा वायरिंग का काम बाकी है एक साइड का और बहुत अच्छी जगह मिल गई प्लेसमेंट के लिए। अगर आपके पास भी R15 V4 है तो आप यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हैं इंडिकेटर के। और ये देखो सामने की तरफ आपको दिख रही है रेड रेड, ऐसा लग रहा है आईज है, देखो ऐसा कोई ऑड भी नहीं लग रहा है। कंप्लीट हो जाए फिर चालू करके आपको दिखा देगी कैसा लुक आता है। भाई ये देखो R15 पे बाजू में खड़ी RS और एक आपको इसकी हाईलाइट वाली चीज दिखाऊं, इसमें एक तो देखो रैपिंग का काम कितना सही लग रहा है ब्लैक कलर में, और ये देखो भाई सामने से देखो कितनी सही लग रही है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये RS है, कितना सही लुक आ रहा है। ये देखो ये कौन सी बाइक का मास्क है बता सकते हो? ये जो सामने की तरफ लगा है ये जो है V2 का V2 का मास्क। ये देखो भाई V2 का मास्क है जो यहाँ पे लगा है, प्लस यहाँ पे इंडिकेटर देखो अंदर की तरफ ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ प्लेस है, प्लस ऐसा कुछ लुक आ रहा है। सामने से आपको दिखा दूँ इसमें रिंग लाइट वगैरह भी लगी है, जिसके पास भी RS है वो ये वाला मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं अपनी बाइक में, काफी अच्छी लग रही है देखने में। तो आप लोगों को इसका एक पूरा वीडियो चाहिए मॉडिफिकेशन की, क्या क्या इस गाड़ी में काम हुआ था कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। इसका भी मॉडिफिकेशन का सेपरेट वीडियो जो है हम बना देंगे। फाइनल फिटिंग जो है गाड़ी की वो कंप्लीट हो चुकी है और साइड में भी वो पैनल जो है ऊपर का वो लगा रहे हैं। सामने से आपको एक बार लुक दिखाऊं कैसा लग रहा है आप ये देखो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा लुक, बहुत ही शानदार लग रही है गाड़ी दिखने में। आपको भी कराना हो मॉडिफिकेशन अगर आप जबलपुर से हो तो ये शॉप है पीछे की तरफ, आप यहाँ पे आके करवा सकते हो। प्लस अगर आप बाहर से हो तो जो वहाँ पे भी अगर आप इंडिकेटर ऑनलाइन बुलवा लोगे, मैं आपको परचेस लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे इंडिकेटर बुलवा के आप यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली ये कुछ नहीं है वायरिंग का खेल है, पूरा वायरिंग अंदर से डाल के इंडिकेटर को डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे। ये जो इंडिकेटर है उसके साइज के ही है, डायरेक्टली अंदर चले जाएंगे। तो अब इसका काम हो गया है कंप्लीट, अब लग जाते हैं इस बाइक में। अभी यहाँ पे जो है दो तीन काम होने मॉडिफिकेशन के अलग अलग, इसको हम बना रहे हैं कौन सी गाड़ी भी है डुकाटी, लुक मिलता जुलता डुकाटी से देंगे। ओके मिक्स बना रहे भाई, पर बहुत अच्छी बनने वाली इतना पता है, क्योंकि अभी स्टिकर्स वगैरह निकल जाएंगे। स्टॉप में आप देख लो किस टाइप की लगती है अपाचे 310 RR। और जो लोग बोलते हैं ना भाई कि दूसरे बाइक की भी मॉडिफिकेशन में वीडियो लाओ, तो ये लो बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। से चल रहा है 1000 RR जैसा बनाने का लुक, ये देखो आप सामने से ये बात। फिलहाल 310 RR जो है उसमें स्टिकर का काम प्लस सामने आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये ब्लैक रेडियम का काम जो है वो चालू हो गया है यहाँ पे। और पीछे की तरफ जो है वो जो है व्हील कवर बोलते हैं इनको, तो हमने ऑनलाइन इनको परचेस कर लिए थे, इसकी लिंक सबकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये फिलहाल लगा रहे हैं यहाँ पे भैया, और देखो लुक कैसा आ रहा है। इससे जो है ना टायर काफ़ी भरा भरा लगता है, सामने की तरफ आपको दिखा दूँ ये लग चुके हैं, ये देखो आप कितनी सही लग रही है ना। और ये यूनिवर्सल है, कोई भी 17 इंच के अलॉय रहते हैं सब में लग जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ एंटिक्स ऐसे RR टाइप का कुछ लिखने वाले हैं, एकदम क्लियर मुझे इतना पता नहीं है, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था वेस्ट टाइप का ही। तो अभी इसको मॉडिफिकेशन में लगेगा टाइम, और मेरा टाइम हो रहा है फिलहाल जिम का, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ। इस वीडियो को करते हैं यही, अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।